जानवर की विचित्र यात्राएं। मैं एक जहाज पर नौकरी करता था। नौकरी करते हुए मैंने कई लंबी लंबी यात्राएं की। एक बार दक्षिणी सागर से पूर्वी द्वीप समूह की ओर जाते हुए हमारा जहाज तूफान में फंसकर चकनाचूर हो गया। सौभाग्य से मैं तैरकर किनारे आ गया और थक कर वहीं लेट गया। बाद में पता चला कि ये लिलिपुट द्वीप है। जब मेरी नींद खुली तो मैंने अपने आप को पतले पतले धागों से बंधा पाया। मैं आश्चर्य में पड़ा सोच ही रहा था कि कोई चीज मेरे पैरों पर रेंगती रेंगती मेरी छाती पर आ खड़ी हुई। ये एक मानव आकृति थी, बहुत ही छोटी सी। कुछ देर बाद उसी प्रकार के कई प्राणी मेरे शरीर पर चढ़ाए। मैं जोर से चिल्ला उठा, कौन हो तुम? मेरा चिल्लाना था कि वो लोग लुढ़कते पुढ़कते और चीखते चिल्लाते भागे। इसके बाद मैंने उठने का प्रयत्न किया तो कुछ धागे टूट गए। ये देख उन लोगों ने सुई जैसे पतले पतले तीरों की वर्षा शुरू कर दी। मैं समझ गया कि चुपचाप लेटे रहने में ही भलाई है। अब उन अद्भुत प्राणियों ने तीर बरसाना बंद कर दिया। उनमें से एक कुछ दूर ऊंचाई पर खड़े होकर जोर जोर से चिल्लाकर कुछ कहने लगा। मैंने हाथ हिलाकर उसे समझाने का प्रयत्न किया कि मैं उसकी भाषा नहीं समझता। फिर बार बार अपना हाथ मुंह की ओर ले जाकर मैंने इशारा किया कि मैं भूखा हूं। वो मेरा इशारा समझ गया। बस फिर क्या था, मेरे मुंह के पास सीढ़ी लगा दी गई और सैकड़ों लोग टोकरियों में खाने का सामान ला ला कर मेरे मुंह में उंडेलने लगे। जब पानी पीने का इशारा किया तो उन्होंने कई पीपे मुंह में उंडेल दिए। उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि मेरा पेट है या कुआं। थोड़ी देर में ही मेरी पलकें भारी हो गईं और मैं गहरी नींद में सो गया। खड़खड़ खड़खड़ की आवाज से जब मेरी नींद टूटी तो ये देखकर मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा कि एक गाड़ी में रखकर मुझे कहीं ले जाया जा रहा है। उन छोटे छोटे लोगों की एक विशाल भीड़ हथियार लिए मेरे दाएं बाएं चल रही थी। मैं समझ गया कि मुझे कैद कर लिया गया है। मेरे वहां पहुंचते ही लिलिपुट वासियों की एक विशाल भीड़ मुझे देखने के लिए उमड़ पड़ी। मेरे पहाड़ जैसे शरीर को देखकर सब लोग आश्चर्यचकित थे। लिलिपुट के बादशाह ने मुझे एक पुराने मंदिर में कैद कर लिया। संभवतः राजधानी में यही एक ऐसा स्थान था जिसमें मैं झुककर घुस सकता था। शेष मकान तो खिलौने जैसे थे। जिस तरह वे लोग मेरे विशाल शरीर को देखकर आश्चर्यचकित थे, उसी तरह मैं भी उनकी छोटी सी दुनिया को देखकर हैरान था। कुछ शरारती लोग मुझ पर तीर चलाने लगे।
एक तीर मेरी बाईं आंख पर लगा। ये देख सिपाहियों ने 6 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर मुझे सौंप दिया। 5 को तो मैंने अपने कोट की जेब में रख लिया और 1 को उंगलियों में पकड़कर मुंह की ओर ले जाने लगा। वो मारे भय के बुरी तरह चीखने लगा। मैंने उन सब को जमीन पर छोड़ दिया। छुटकारा पाते ही वो गिरते पड़ते वहां से भागे। इस बात का और लोगों पर अच्छा असर पड़ा। बादशाह ने जब ये सुना तो उसने भी मेरी प्रशंसा की। राज दरबार के कुछ व्यक्ति मेरे भोजन पानी के खर्च को देखकर सोचने लगे कि इससे देश में अकाल पड़ जाएगा। वे विषैले तीरों से मेरी हत्या कर देना चाहते थे, परंतु सौभाग्य से बादशाह उनकी बातों में नहीं आया। उसने मेरे भोजन पानी का सारा उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लिया और 6 विद्वानों को मुझे उस देश की भाषा सिखाने के लिए नियुक्त कर दिया। कुछ दिनों में मैंने उन लोगों की भाषा सीख ली। मेरे स्वभाव और व्यवहार से वे लोग बहुत खुश थे। अब वे निडर होकर मेरे पास आते, कभी वे मेरे सिर पर उछलते कूदते और कभी नाचने लगते। बच्चे तो मेरे बालों में आंख में चौनी खेलते। इस तरह मैं सबका खिलौना बना हुआ था। एक दिन मैंने बादशाह से अपनी मुक्ति के लिए प्रार्थना की। उसने मुझे इन शर्तों पर मुक्त करना स्वीकार किया कि मैं बादशाह की आज्ञा के बिना कहीं ना जाऊं और किसी देश से युद्ध छिड़ जाने पर मैं लिलिपुट वासियों की सहायता करूं। कुछ दिन बाद मुझे ज्ञात हुआ कि पड़ोसी देश ब्लेफुस्कू के बादशाह ने एक शक्तिशाली जहाजी बेड़ा तैयार कर लिया है। वो लिलिपुट पर चढ़ाई करने का अवसर देख रहा है। शर्त के अनुसार मैंने उन लोगों की सहायता करने की एक योजना बनाई। कुछ रस्सियां और कांटे लेकर मैं ब्लेफुस्कू की खाड़ी की ओर चल दिया। ये खाड़ी मेरे लिए विशेष गहरी न थी, पर उन लोगों के लिए तो ये महासागर से कम न थी। मैंने खाड़ी में घुसकर वहां खड़े सब जहाजों को कांटों में फंसा लिया और उन्हें खींचता खींचता लिलिपुट की ओर चल दिया। ब्लेफुस्कू के सैनिक मेरे ऊपर तीर बरसाने लगे, पर चश्मे और चमड़े के कोट के कारण उनके तीर मेरा कुछ भी ना बिगाड़ सके। ब्लेफुस्कू के जहाजों को खींचकर जब मैं लिलिपुट की खाड़ी में ले गया तो वहां के बादशाह और लोगों ने प्रसन्नता से उछल उछल कर मेरा स्वागत किया। बादशाह ने मुझे अपने देश की सबसे बड़ी उपाधि से सम्मानित किया। एक दिन मैं लिलिपुट खाड़ी के किनारे घूमता घूमता दूर जा निकला। वहां मुझे पानी में एक बड़ा तख्ता तैरता दिखाई दिया। ध्यान से देखने पर ज्ञात हुआ कि वो एक उल्टी हुई नाव थी। उसे देखकर मैं खुशी से नाच उठा। ये नाव नहीं, मेरी आशाओं का दीपक थी। कुछ दिन बाद मैंने बादशाह से अपने देश जाने की आज्ञा मांगी। उन्होंने मुझे बड़े प्रेम से विदा किया और बहुत सी भोजन सामग्री
मेरी नाव पर लदवा दी। सौभाग्य से रास्ते में मुझे एक जहाज दिखाई दिया। नाविकों ने मुझे जहाज पर चढ़ा लिया। ये देख मेरी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा कि जहाज मेरे ही देश का था। लिलीपुट से लौटकर 2 महीने तक मैं घर पर ही रहा। उसके बाद मुझे फिर जहाज पर काम मिल गया। कुछ दिन बाद हमारा जहाज हिंदुस्तान के लिए रवाना हुआ। अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी किनारे पर चलते चलते हमारा जहाज तूफान में फंसकर रास्ता भूल गया। और भटकते भटकते एक टापू के पास पहुंचा। नाविक तो जहाज की देखभाल में लग गए और मैं अपने कुछ साथियों के साथ नाव लेकर पानी की तलाश में टापू की ओर चल दिया। मुझे पानी कहीं न मिला। पेड़ की ठंडी छाया देख मैं वहीं लेट गया। कुछ देर बाद जब मैं नाव की ओर लौटा तो क्या देखता हूं कि मेरे साथी नाव को तेजी से जहाज की ओर लिए जा रहे हैं। मैं उन्हें आवाज देने ही वाला था कि मेरी नजर एक विशालकाय आदमी पर पड़ी। आदमी क्या, वो तो पूरा राक्षस था। समुद्र का पानी उसके घुटनों तक ही आ रहा था। उसे देख अपनी जान बचाने के लिए मैं एक खेत में जा छिपा। कहने को तो ये जौ का खेत था, पर जौ के पौधे हमारे देश के पेड़ों से कम ऊंचे न थे। पेड़ तो पहाड़ की चोटी की समता करते थे। जौ के पौधों की आड़ में छिपे छिपे मैंने देखा कि कुछ आदमी उसी खेत की ओर आ रहे हैं। उन्होंने जौ काटने शुरू किए तो एक की नजर मुझ पर पड़ी। उसने खिलौने की तरह मुझे उठाकर हथेली पर रख लिया। मुझे लगा कि मैं एक ऊंचे पेड़ की टहनी पर चिड़िया की तरह बैठा हूं, पर क्या मैं चिड़िया की तरह आजाद था? उस लंबे चौड़े किसान ने मुझे उलट पलट कर देखना शुरू किया तो मैं डर के मारे चीखने लगा। ये देख उसने मुझे धीरे से जमीन पर रख दिया। मेरी जान में जान आई। मैंने चिल्ला चिल्ला कर उसे अपने बारे में बताना चाहा, पर वो समझे तब ना। उसने मुझे बड़ी सावधानी से उठाकर अपनी चौड़ी हथेली पर रख लिया और अपने घर ले आया। घर लाकर जैसे ही किसान ने अपनी पत्नी को दिखाने के लिए हथेली उसकी ओर बढ़ाई तो मुझे देखकर वो स्त्री इस तरह डर गई जैसे कोई सांप बिच्छू को देखकर डर जाए। ये देख किसान को बड़ा मजा आया और वो खिलखिलाकर हंस पड़ा। मुझे लगा कि आंधी चल रही है और बादल गरज रहे हैं। मैं आंखें फाड़ फाड़ कर चारों ओर देखने लगा। वहां सभी प्राणी और सभी चीजें बड़े बड़े आकार की थीं। नांद जैसे प्याले, बड़े बड़े थालों जैसी रोटियां, शेर शेरनी जैसे कुत्ते बिल्लियां, छोटे से छोटा बच्चा भी मुझसे चौगुना लंबा चौड़ा। इन सब के बीच में
मैं अपने आप को मक्खी मच्छर जैसा अनुभव कर रहा था। लिलिपुट के लोग मुझे देखकर जितना हैरान हुए होंगे, उससे कहीं अधिक हैरानी मुझे इन लोगों को देखकर हुई। इन लोगों में रहते रहते मेरा भय मिट गया। इनका आकार ही डरावना था, वैसे आदमी भले थे। मैंने इस देश की भाषा भी सीख ली, इससे मुझे बहुत सुविधा हो गई। कभी कभी मैं मेज पर खड़े होकर किसान और उसके परिवार वालों को तरह तरह के खेल दिखाता। मेरा नाच और तलवार चलाना उन्हें बहुत पसंद आता। इससे उनका अच्छा खासा मनोरंजन हो जाता। ये देखकर किसान के मित्र ने उसे सलाह दी कि वो राजधानी में लगने वाले मेले में टिकट लगाकर लोगों को मेरा खेल दिखाए। अब किसान ने मुझे एक लकड़ी के डिब्बे में बंद किया और उसे हाथ में लटकाकर मेले में ले आया। राजधानी के लोग मेरा खेल देखने के लिए टूट पड़े। मेरे खेल से अधिक वे मुझे देखना चाहते थे। उनके लिए तो मैं जीता जागता खिलौना था। यहां मुझे दिन में 10-10 बार खेल दिखाने पड़ते थे। इस तरह काफी पैसा कमाने के बाद उस किसान ने 1000 सोने के सिक्कों के बदले मुझे उस देश की महारानी को बेच दिया। महारानी ने मेरे लिए एक पिंजरा बनवाया। पिंजरा क्या, ये तो एक कमरा था। खाना खाते समय महारानी पिंजरे को अपनी मेज पर रखकर मुझे भी खाना खिलाती। उसने मेरे लिए विशेष रूप से छोटे छोटे बर्तन भी तैयार करवाए। एक बार राजा और रानी अपने नौकर चाकरों के साथ अपने राज्य का दौरा करने निकले। उन्होंने मुझे भी साथ ले लिया। चलते चलते हम ऐसे नगर में पहुंचे जो समुद्र के समीप ही था। समुद्र को देखकर मुझे अपने देश की याद आ गई और मैं उदास हो गया। ये देखकर नौकर पिंजरा उठाकर समुद्र के किनारे ले गया। पिंजरे को एक चट्टान पर रखकर वो समुद्र की रेत पर लेट गया। समुद्र की ओर ललचाई नजरों से देखते देखते पता नहीं मुझे कब नींद आ गई। खड़खड़ की आवाज सुनकर जब मेरी आंख खुली तो भय और आश्चर्य से मेरा दिल धड़कने लगा। मेरा पिंजरा हवा में उड़ रहा था। मैं अभी सोच में पड़ा ही हुआ था कि अचानक पिंजरा इतनी तेजी से नीचे गिरा कि मेरी आंखें भय से बंद हो गईं। छपाक! पिंजरा एक बार तो पानी में काफी नीचे तक चला गया, पर फिर केवल थोड़ा सा ही डूबकर नाव की तरह तैरने लगा। खुला समुद्र, लहरों के थपेड़े, तीर की तरह चुभती हुई ठंडी हवा, खाने पीने का कोई ठिकाना नहीं। मेरे दुर्भाग्य का कहां अंत होगा। इससे तो मैं महारानी की कैद में ही ठीक था, मैं सोचने लगा। मैंने अपने आप को
भाग्य के सहारे छोड़ दिया। उस असहाय स्थिति में पड़े पड़े मुझे काफी देर हो गई थी कि मुझे लगा जैसे कोई पिंजरे को तेजी से एक ओर खींच रहा हो। पिंजरे की खिड़की से हाथ निकालकर मैं जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगा। जब जवाब में मैंने अपने देश की भाषा सुनी तो मेरा रोम रोम खिल उठा। गुलीवर की विचित्र यात्राएं। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम, विषय संपादक सत्येंद्र वर्मा और लता पांडे, कार्यक्रम निर्देशन प्रभुदयाल खट्टर, कलाकार नीरज शर्मा, ध्वनिंकन सतीश लाडे और दीपक पांडे, निर्माण सहयोग दाऊ दयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन।